हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ9 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैसेज सेंड साउंड सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैसेज सेंड साउंड सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस को सेलेक्ट करना है। और इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ये मैसेज सेंड साउंड का। मैसेज सेंड साउंड इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका जो है ब्लू कलर में इस तरीके से ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपके मोबाइल फोन में जो मैसेज ऐप होता है ना, टेक्स्ट मैसेज का ऐप होता है, आप इस मैसेज ऐप के जरिए किसी को भी अगर मैसेज सेंड करेंगे तो जैसे ही आपका मैसेज सेंड होगा उसी वक्त आपके मोबाइल फोन से एक साउंड क्रिएट होगा, ठीक है, एक साउंड की आवाज आएगी। तो ये सेटिंग जो है ना मैसेज सेंड साउंड सेटिंग इनेबल करने के बाद इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फोन में सेटिंग, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कैसे आप ये मैसेज सेंड साउंड सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सेटिंग पेज को फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है मैसेज सेंड साउंड, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।